हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पे जिस पे बात करेंगे वो टॉपिक है हाउ टू क्रैक योर जुडिशरी एग्जाम। मेरा जो व्यू है वो ये है कि जुडिशरी एग्जाम जो है वो क्रैक कैसे होगा। सबसे पहली बात है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो औरों से बेटर होनी चाहिए, ठीक है, तो आप जुडिशरी का पेपर क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अब ये नहीं कि अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है उसका जुडिशरी का पेपर क्रैक नहीं हुआ, चाहे वो आपका प्रीलिम है या मेन है, कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है। आपकी प्रिपरेशन हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन जो दूसरे हैं वो हो सकता है आपसे बेटर, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो इस पेपर को क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बेटर परफॉर्म करेगा और उसे वो आगे निकल जाएगा। तो मेरा जो व्यू है कि आप जुडिशरी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आप देखो कि जिस भी स्टेट्स का आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे कौन कौन से जो एक्ट है आएंगे, उन सब का आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। बेयर एक्ट रखो और जितने भी बेयर एक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो राइटर्स हैं उस बेयर एक्ट के, अच्छे राइटर्स हैं, उनकी अपने पास बुक रखो। एक बार एटलीस्ट जितनी भी बुक्स हैं आप बेयर एक्ट से सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ो, और जो भी सेक्शन है बेयर एक्ट के अंदर जो आप अच्छे राइटर की बुक्स हैं उसको डिटेल में उस सेक्शन के बारे में बता रखा होगा, वो सारा आप उस बुक्स के अंदर जो अच्छे राइटर की बुक है आप उसको देखो। उसके अंदर आपको केस लॉ भी मिलेंगे, ठीक है, सारे केस ला आपको याद नहीं हो सकते लेकिन आप उनको समझो, और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बेरट के साथ बेरट खाली पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा समझने, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जो अच्छे राइटर की बुक्स होंगी उसको अगर आप साथ में पढ़ोगे तो आपको जो बेरट के सेक्शन है वो ज़्यादा बेटर समझ आएंगे और वो आपके माइंड में भी रह जाएंगे। सारे सेक्शन किसी को याद नहीं रहते लेकिन एक छाप आपके माइंड पर छोड़ जाते हैं, कि अगर आप एक इम्प्रेशन छोड़ देंगे अगर आप जो मेन बुक्स है जो अच्छे राइटर की बुक है उसको आप पढ़ते हो, ठीक है। एक बारी ऐसे ही जो है सारी बुक्स को आप रीड करो, जितने भी अच्छे राइटर हैं उनको समझो, रटने की जरूरत नहीं है, आप उसको समझो, अच्छी तरह से समझो कि वो सेक्शन क्या कहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो प्रीलिम के लिए आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी कोई बुक लो, उसके अंदर से आप आंसर दो, बार बार देखो आपकी गलतियाँ होंगी, आप उसके आंसर चेक करो पीछे, फिर मिस्टेक होंगी फिर देखो, तो धीरे धीरे जो आपका माइंड है वो उसका हैबिचुअल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से सारी बुक्स की तैयारी करनी है, ठीक है। अब आपको इस लेवल तक तैयारी करनी है कि जब आप मान लो जो आपका प्रीलिम्स के जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन वाला आपको एक सैम्पल पेपर लेना होगा, ठीक है, उसकी आप तैयारी करोगे उसके थ्रू, तो आपको उस लेवल तक तैयारी करनी है कि आपने एक मान लो सैंपल पेपर सोल्व करा, ठीक है, प्रीलिम के लिए, ठीक है, जिसके अंदर की ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एमसीक्यू होंगे, तो आप उस तो देखोगे आपने 100 क्वेश्चन सोल्व करे या 200 क्वेश्चन सोल्व करे तो आपके कितने मार्क्स आए, आपने पहली बार देखा, ठीक है, आपके मान लो हो सकता है फर्स्ट टाइम में 50 मार्क्स आए, फिर से आपने उसको इतनी बार सोल्व करना है कि आपके नियर अबाउट उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक होने लग जाए। अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे तो आप किसी भी हालत में ये पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये अपना अपना स्टैमिना होता है, हो सकता है मैं उस चीज़ को ना करूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं बोलना आसान होता है और करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि आप उसकी इतनी बड़ी प्रैक्टिस करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसके ठीक होने लग जाए आपकी, क्योंकि जब मैक्सिमम आपके क्वेश्चन ठीक होंगे इट्स मीन्स की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो उस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, आपका माइंड जो है वो हैबिचुअल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपने सारे सब्जेक्ट का करना है, और जब आप एक तरह से मान लो एक सैंपल पेपर होगा या पिछले सालों को जो स्टेट्स के पेपर आए होंगे प्रीलिम के वो आप कहीं से कलेक्ट करो, उनको सोल्व करो, ठीक है, सारे क्वेश्चन वैसे नहीं आते लेकिन आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा क्योंकि आपने सैंपल भी सोल्व करें, और वैसे जो बुक जो आपका एक्ट वाइज भी आपने जो एमसीक्यू सोल्व करे होंगे और जो पेपर आए पिछले साल के वो भी सोल्व करे होंगे, तो काफ़ी आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब कि आपको तब तक तैयारी करनी है जब तक कि आपके 90% जो आंसर है वो एमसीक्यू के ठीक नहीं हो रहे, तो इससे आपका प्रीलिम जो होता है वो क्रैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि आपने तैयारी करी ये हो गया मेरा एक बारे में, तो आपका वो क्रैक नहीं होगा। एक तरह से आप जो काम घर पर करना है
कि भाई आपके पेपर में फेल हो रहे हो, फिर इसकी तैयारी कर रहे हो, तो वही उससे आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा अगर घर पे करोगे। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, वहाँ पे फिर रिजल्ट देखूंगा, वहाँ फेल हो गया फिर दूंगा, तो वही चीज़ आप अपने घर पे कर सकते हो कि आप बार बार फेल हो रहे हो, घर के ऊपर फेल हो रहे हो। आपने क्वेश्चन सोल्व करा, MCQ सोल्व करे, जो भी लास्ट के पेपर थे उसमें आप फेल हुए, एक बार दो बार या 20 बार फेल हो गए, ठीक है ना। कि भाई आप एक टारगेट रखो कि मेरे को इसके अंदर से 75-80% जब तक मेरे ठीक नहीं होंगे, इट्स मीन्स कि मैं यहाँ पे फेल हो रहा हूँ, तो जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो वहां पर भी मैं पास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे से बेटर कई लोग होंगे। तो इस हिसाब से तैयारी करो। इसी तरह से जब आपने मेन की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी आप उसको ये, अगर आपने सारे एक्ट ढंग से पढ़े हुए हैं तो आप इसके लिए भी जुडिशरी के लिए कोई जो यूनिवर्सल की बुक होती है, कोई और बुक होती है, वो मेन की प्रिपरेशन के लिए लेकर आओ, जिसके अंदर की पिछले कई सालों के 30-35 साल के पेपर होते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसी तरह से प्रिपरेशन करो। आप इस प्रिपरेशन को तब तक करो जब तक कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको समझ ना लग जाए और वो ढंग से ठीक ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो मेन है उसके अंदर कोई आप मार्क्स जो दोगे मेन के लिए, आपका आंसर राइटिंग भी है कि आप किस तरह से आंसर राइटिंग देते हो, जो क्वेश्चन पूछे हैं किस तरह से रिप्लाई देते हो, सबके आंसर डिफर हो सकते हैं, जैसे सबके जजमेंट जजेस के डिफर हो सकते हैं, ऐसे आंसर डिफर हो सकते हैं। लेकिन आप कॉन्फिडेंसली जो है चीज़ों को समझ के उसके ऊपर रीजनिंग दे के उसको सोल्व करो बार 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 बार, मतलब एटलीस्ट इतना करोगे आपको खुद ही लगेगी मैं सही आंसर दे रहा हूँ, तो आपके जो एग्जाम है वो क्रैक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो आपकी जो जुडिशरी के पेपर्स हैं वो क्लियर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा समझाया होगा, हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ, या आपको समझ आया हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। मेरे हिसाब से ये तरीका सही है तैयारी करने का, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको आजमा के देखो, मेहनत करो, ठीक है, तो हो सकता है कि आप जो है इसके इस जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर जाओ। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए कि प्रिपरेशन किस तरह से की जाए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना नंबर ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या नीचे चल रहा होगा, तो आप मेरे से इसके बारे में एडवाइस ले सकते हो। मैं आपको पूरी अपनी तरफ से गाइड करूंगा कि किस तरह से आप जो है जुडिशरी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ये आपकी मेहनत के ऊपर है पास करने के लिए कि आप किस तरह से और कितनी रेगुलरिटी से मेहनत करते हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।